नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों हाजिर हूँ आज के प्रमुख शिक्षा जगत के समाचार। तो क्या शिक्षा जगत के समाचार हैं दोस्तों, संपूर्ण जानकारी आज के बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर एजुकेशन न्यूज़। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ है दोस्तों, वो ये है, आप देख सकते हैं, गणेश्वर महादेव पुलिया का 3 वर्ष बाद भी निर्माण नहीं, छात्र शिक्षा से वंचित। ठीक है, तो अगली खबर पर चलते हैं। छुट्टियों के बाद स्कूलों में लौटी रौनक। तो दोस्तों कल से जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, कॉलेजेज हैं, खुल चुके हैं 1 जुलाई से, और 24 से ही खुल गए थे जो गुरुजी हैं उनके लिए तो, लेकिन कल से बच्चे भी आने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगली खबर पर चलते हैं। प्रदेश में ये देखिए, यहाँ पर एक भर्ती की भी ज़रूरत है, यहाँ पर मेडिकल लाइन के अगर आप अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए न्यूज़ बहुत काम की है। प्रदेश में 17,000 फार्मासिस्टों की ज़रूरत और चिकित्सा विभाग में 6,646 पद ही स्वीकृत हैं। टोटल 17,000 में से 6,646 पद ही स्वीकृत हैं, और जो भर्ती है 1736 पदों पर है, जो RSMSSB बोर्ड के पास है, जिसका यहाँ पर दोबारा से अब विज्ञापन उसका जारी होगा, उसकी एग्ज़ाम डेट भी आ गई थी। तो यहाँ पर पद बढ़ाने की मांग, ठीक है, भर्ती के बाद भी 2,000 पद रह जाएंगे खाली। तो जो स्वीकृति थी 3,959 पदों पर ये वैकेंसी होनी थी, लेकिन दोस्तों RSMSSB बोर्ड ने 1736 पदों पर इसका विज्ञापन निकाला था। ठीक है, तो 17,000 पदों में से 6,646 पद ही स्वीकृत हैं, बाकी पद यहाँ पर खाली हैं। तो दोस्तों ये अब इसमें पद बढ़ सकते हैं, EWS MBC आरक्षण के बाद इसमें पद निश्चित तौर पर बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगली खबर है, शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपल को दी मनचाही पोस्टिंग। तो ये शिक्षा विभाग का मामला है और इसमें मनचाही पोस्टिंग दे दी गई है। और अगला खबर है दोस्तों, प्रदेश के 65,000 सरकारी स्कूलों में आज होगी बाल सभा। तो दोस्तों आज बाल सभा का आयोजन 8 से लेकर 11 बजे तक किया जाएगा, और जो जयपुर ज़िला है इसका जो कार्यक्रम है शाहपुरा अमरसर गांव में होगा, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसमें हिस्सा लेंगे। तो सभी प्रदेश के सभी स्कूलों में बाल सभा का आयोजन किया जा रहा है 8 से लेकर 11 बजे तक। ये दोस्तों कल जो राजस्थान बेरोजगार महासंघ की जो मीटिंग थी, आक्रोश रैली थी, वादा दिलाव रैली थी, उसकी खबर है। नई भर्तियों को लेकर जयपुर में जुटे बेरोजगार, प्रदर्शन, इन मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। तो जो मांगे थी, विद्यालय सहायक नर्सिंग भर्ती 2013, पंचायती राज LDC, इसके अलावा दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो परीक्षा हो चुकी उनका परिणाम जल्द जारी हो, RPSC, इसके अलावा विद्युत विभाग की हेल्पर 2 का हो, LDC की टाइपिंग डेट जल्दी जारी की जाए, RIT Level 2 की संशोधित द्वितीय मेरिट लिस्ट जारी हो, और भर्तियों को समयबद्ध तरीके से और किसी कमेटी का गठन किया जाए, भारी राज्यों का कोटा कम किया जाए। तो ये बहुत प्रमुख मांगे थी और इनके वीडियोज भी आप लोगों ने देख लिए होंगे। तो दोस्तों ये था, अगली खबर पर चलते हैं। दोस्तों राजस्व मंडल 220 प्रशिक्षु नायब तहसीलदारों के नियुक्ति आदेश जारी। तो राजस्व मंडल से 220 जो ट्रेनी नायब तहसीलदार हैं उनके नियुक्ति आदेश जारी। 3 से टोंक व अजमेर में लेंगे प्रशिक्षण। अगली खबर है दोस्तों, वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा कल से। तो RPSC की जो वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा है 2018 TSP की है, जिसका आयोजन बुधवार से होगा। ठीक है, यह परीक्षा अजमेर में ही होगी और आयोग ने इसके लिए कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है। अगली खबर पर चलते हैं, स्कूलों की तर्ज पर अब सरकारी कॉलेजों में भी होगा सिविरा पंचांग। निदेशालय की ओर से पहल, विद्यार्थियों की बढ़ेगी भागीदारी। तो स्कूलों में जैसे सिविरा पंचांग होता है पूरे साल का, इस तरीके से कॉलेजों में भी यह सिविरा पंचांग लागू कर दिया गया है। अगली खबर पर चलते हैं दोस्तों, 4 दिन में आरक्षित सीटों पर GCA में 266 और GCCA में 232 आवेदन। तो ये यहाँ पर कॉलेज एडमिशन्स की बात हो रही है। ठीक है, अगली यहाँ पर खबर चलते हैं, रन फॉर वन कार्यक्रम 7 को। तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विनोद कुमार भारवानी के निर्देशन में 7 जुलाई को होने वाली रन फॉर वन कार्यक्रम के लिए बैठक आयोजित की गई है। 7 जुलाई को होगा रन फॉर वन। ठीक है, अगली खबर चलते हैं दोस्तों, शिक्षा विभाग में तबादलों का नया तरीका, संशोधन के नाम पर 4 प्रिंसिपलों के स्थानांतरण। ये नया तरीका है, संशोधन के नाम पर 4 प्रिंसिपलों को यहाँ पर स्थानांतरित किया गया है। प्रारंभिक सेटअप में
स्कूलों के नहीं रहेंगे पद खाली, यानी शिक्षकों के पद नहीं रहेंगे खाली। प्रारंभिक सेटअप के बाद तो 4,819 बेरोजगारों को नियुक्ति और 7,166 की नई जिलों में होगी पोस्टिंग। तृतीय श्रेणी टीचर्स की काउंसलिंग 4 से, तो रीट लेवल फर्स्ट की बात की जा रही है यहाँ पर, जो काउंसलिंग है 4 और 5 जुलाई को यहाँ पर होनी है। ठीक है, अगली खबर पर चलते हैं दोस्तों। 51 दिन छुट्टियों के बाद स्कूलों में फिर से लौटी रौनक और दृष्टिहीन बच्चे भी उत्साह से पहुँचे जैसलमेर। ठीक है, अगली खबर यहाँ पर दोस्तों आइए चलते हैं। परिवहन विभाग इसी माह होगी बाल वाहिनियों की चेकिंग, तो बीकानेर से ये खबर है। और जो बाल वाहिनी यानी कि बच्चों की जो बस हैं और जो वैन्स हैं कार्स हैं उनकी यहाँ इसी माह चेकिंग की जाएगी। बाल वाहिनियों में ये होना चाहिए ये सब, तो यहाँ पर जो भी बसेज हैं स्कूल बसेज हैं उनमें ये चीज़ें होनी चाहिए, इनमें दिया गया है। अगली खबर पर चलते हैं दोस्तों। शिक्षकों का निदेशालय पर प्रदर्शन, तो दोस्तों रीट लेवल थर्ड की जो छोरी टू की जो थर्ड वेटिंग लिस्ट है उसी के बारे में ये अपडेट है। और यहाँ पर लगातार पिछले कुछ दिनों से धरना चल रहा है और इसी की मांग को लेकर के शिक्षक संघ शेखावत के जिला अध्यक्ष संजय पुरोहित के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल में शिक्षा निदेशक नथमल डिडेल से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि शिक्षक भर्ती 2018 मूल परिणाम रीशफल और वेटिंग लिस्ट जारी करने के बाद भी संस्कृत विषय में 85% और सामाजिक विषय में 40% पद खाली हैं। यही समस्या हिंदी अंग्रेजी गणित और विज्ञान विषय में भी है। उन्होंने बताया कि पद रिक्त होने का एक ही अभ्यर्थी का एक से अधिक विषयों में चयन होना है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड वेटिंग लिस्ट की मांग की है और हम भी मांग करते हैं कि थर्ड वेटिंग लिस्ट आए और तकरीबन 3,000 से ज़्यादा जो परिवार हैं जो अभ्यर्थी हैं उनको खुशियाँ मिलें। अगली खबर पर चलते हैं दोस्तों। दूसरे राउंड के बाद मोम अप राउंड में भी कर सकेंगे सीट पर आवेदन, MBBS के लिए NRI सीटों का आवंटन। अगली खबर, प्रशिक्षण में बच्चा साथ रखने पर सहायिका को रोज़ देने होंगे 20 रुपये। तो आंगनबाड़ी सहायिका को संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र 5 से 30 जुलाई तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगली जो न्यूज़ है एजुकेशन, तो RAS 2016 के जो 760 अभ्यर्थियों को 20 माह बाद आखिरकार सर्विस का आवंटन कर दिया गया है। CBSE की कंपार्टमेंट परीक्षाएं आज आयोजित होंगी। अगली खबर है, ये फार्मासिस्ट की मैंने बताई दी, दोबारा से आ चुकी ये खबर। अगली खबर, नई भर्तियों को लेकर जयपुर में जुटे प्रदर्शन, तो ये भी मैंने बता दी है। उपेन यादव और उनके जो टीम के द्वारा बहुत सारे अभ्यर्थी शामिल हुए थे। प्रारंभिक सेटअप के स्कूलों को 11,985 टीचर्स जल्द मिलेंगे। काउंसलिंग 4-5 जुलाई को कराई जाएगी। ये टोटल है इसमें 4,819 और 7100 कुछ। ठीक है, और ये दोस्तों स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में विभिन्न पद हैं तो वो कौन इंटरव्यू, तो जो मॉडल स्कूल हैं उनके लिए ये पदों के लिए इंटरव्यू बताए गए हैं। अगली खबर है, REU में 2004 से पहले कार्यरत शिक्षकों को मिलेगा पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ। तो दो ओल्ड पेंशन स्कीम है दोस्तों, वो 2004 से पहले से जो कार्यरत हैं उनको मिलने वाला है। अगली जो खबर है, ये लेख है, काफ़ी अच्छा लेख है। नई शिक्षा नीति, शिक्षा में सुधार के सुझाव तो हैं पर लागू करने के उपाय कमज़ोर हैं। नई शिक्षा नीति में नया क्या है और इसमें सुधार की गुंजाइश पर रोशनी डाल रहे हैं डॉक्टर KL शर्मा। अगली खबर, पेड़ के नीचे पढ़ते थे 400 छात्र, राउंड टेबल इंडिया ने 8 कमरे बनवाए तो हो गए 1200। तो अच्छी पहल है ये, भामाशाहों के सहयोग से 1200 बच्चे हो गए जहाँ पहले 400 बच्चे थे। प्रदेश के 65,000 सरकारी स्कूलों में आज होगी बाल सभा का आयोजन और जो मुख्य जो कार्यक्रम है अमृतसर जयपुर में होगा, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हिस्सा लेंगे। अगली खबर पर चलते हैं, स्टेट की मेडिकल सीटों का इंडिकेटिव अलॉटमेंट जारी, रियल अलॉटमेंट 5 को। प्रयोगशाला सहायकों की भर्ती की प्रक्रिया फिर भी वादों में, तो दोस्तों ये जो मेडिकल विभाग की जो भर्ती है उसका है और कई अभ्यर्थियों ने फर्जी प्रमाण पत्र भी लगाए हैं, तो 4 साल से ये भर्ती प्रक्रिया विवादों में ही है। ठीक है, पिछले 4 साल से देखिए। अब अगली खबर पर चलते हैं, MBBS करना महंगा होगा, 10% तक बढ़ेगी फीस। तो MBBS जो कोर्स होता है डॉक्टर का वो यहाँ पर बढ़ जाएगा, यहाँ पर फीस की जो राशि है उसको बढ़ा दिया गया, 10% राशि यहाँ पर बढ़ेगी।
अगली खबर पर चलते हैं। रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर बन सकेंगी महिलाएं, आधी सीटें मिलेंगी। दोस्तों टोटल जो 9000 पद हैं उनमें से 4500 पद महिलाओं के लिए होंगे। और दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, जबकि रेलवे में 2,82,000 पद खाली हैं, टोटल 15,06,000 कर्मचारियों में से 12,23,000 ही कार्यरत हैं। ठीक है, अगली खबर, इस सत्र में 247 दिन स्कूलों में होगी पढ़ाई, शिक्षकों के 14 अवकाश यहाँ पर कम कर दिए गए हैं। अब शीतकालीन अवकाश 25-31 सब 7-8 दिन इसमें कम किए गए हैं और छुट्टियां 17 मई से 30 जून तक। ठीक है, अगली खबर, नई भर्तियों को लेकर ये बताई दिया है, शिक्षा विभाग ने 4 प्रिंसिपल को दी मनचाही पोस्टिंग। अब ओबीसी की क्षत्रिय जातियों को जारी हो सकेगा SC सर्टिफिकेट, शासन आदेश जारी। तो दोस्तों ये यूपी की खबर है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 ऐसी जातियाँ थी जो ओबीसी में थी और उनको अब यहाँ पर SC में शामिल कर दिया है। ठीक है, अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया गया है, जिनमें जो याचिकाएं हैं और इसको लेकर के कोर्ट में भी ये मैटर चला गया है। मानदेय को तरसे पैरा टीचर्स, चाकसू ब्लॉक का है मामला, मार से नहीं मिला वेतन, घर पर घर चलाने के भी पड़े लाले। अब संस्कृत शिक्षा में पढ़ाई जाएगी महात्मा गांधी की आत्मकथा। ठीक है, तकनीकी शिक्षा विभाग जो मंत्री हैं सुभाष गर्ग ने दी जानकारी, विभाग तैयार कर रहा कार्य योजना। अगली खबर है, स्कूलों में 247 दिन हो गए पढ़ाई, 119 दिन रहेगी छुट्टी। ठीक है, कॉलेज आयुक्तालय ने फिर से खाली सीटों पर प्रवेश के लिए मांगे आवेदन। तो कॉलेज आयुक्तालय ने जो खाली सीटें हैं कॉलेजेज में एडमिशन्स के लिए उन पर फिर से आवेदन मांगे हैं। तो दोस्तों ये थे आज के प्रमुख शिक्षा संबंधी समाचार। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को PDF मिलेगी, आप PDF का अध्ययन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप डेली एजुकेशन न्यूज पाना चाहते हैं, क्योंकि पिछले दिनों से दोस्तों मेरा YouTube चैनल थोड़ा सा धीमा चल रहा है, थोड़ी सी परेशानियां फेस आ रही हैं, लेकिन फिर भी हमें छोड़ना नहीं है, काम करना, काम करते रहेंगे। और आप लोगों का सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें, तो आप मुझे सपोर्ट करिएगा। और ये चैनल आपको नित नई अच्छी खबरें देता आया है और देता रहेगा, और आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा कामना करता है आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।